हेलो बच्चों, आज हम पार्ट नंबर 13 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5, 9.5 और 9.6 दोनों आज हो गए कवर, ठीक है। इसमें पेज नंबर 44 मिलेगा आपको। अब हमने तीन क्वेश्चन कर देते हैं इस 9.5 के, चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। चौथे क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे सारे क्वेश्चन किस टाइप के, देखो ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है चौथा, ऊपर देखो ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, पावर सेम है तो क्या करेंगे डिवाइड करके हो जाएगा। यहाँ पर देखो पावर सेम है तो क्या करेंगे पहले डिवाइड करेंगे। यहाँ देखो पावर सेम है तो क्या करेंगे पहले डिवाइड करेंगे। इसमें डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स की पावर 4 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और ये अलग है, तो मतलब ये एक दो तीन, तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो पहले मैं इन तीनों में से एक कराता हूँ, बाकी आपने खुद करना है, ठीक है। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है फर्स्ट मैंने सोल्व कर दिया पहले, फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। ये रकम है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x + 12, ठीक है। क्या करना है, इसको सोल्व करना है। क्या देख रहे हो यहाँ पे, पावर क्या है सेम है, पावर क्या इक्वल है, ऊपर न्यूमरेटर की पावर बड़ी हो डिनोमेटर की पावर से, या दोनों की पावर सेम हो, तो क्या करेंगे सबसे पहले डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे पहले डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के लिए अपन क्या क्या करेंगे, या तो ऐसा कर लो एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे इससे, तो भी एक ही बात है, यही आएगा, ये बड़ा स्टेप आ जाएगा, ठीक है। एक तो आएगा क्वेश्चन, ये रिमाइंडर बचेगा, और ये है डिवाइजर, ठीक है। तो ये बचेगा, नहीं तो आप क्या करोगे, एक तरीक और भी है बगैर डिवाइड करके, बगैर बता देता हूँ। ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x + 12, है ना। तो क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म ऊपर बना लो, तो ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर में 6x + 12 और जुड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा ऊपर 6x + 12 जोड़ेंगे और 6x + 12 घटा देंगे। तो इसमें मैंने 6x + 12 जोड़ा और यही मैंने घटा दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखो इसके अपन में करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा कट पिट के, और यहाँ ले लेंगे माइनस कॉमन, तो क्या होगा ये दोनों जगह पॉजिटिव और अपन में हो जाएगा, दो पार्ट हो गए। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हम एक्स, और इसका करना इंटीग्रेशन, इसमें 6 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा x + 2 बचेगा और ये बचेगा, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और ये बचेगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैंने i1 मान लिया, क्या मान लिया इसको i1, तो क्या होगा x - 6 i1 = i, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, अब हम i1 किसको माना, हमने i1 हमने इसको माना था वेयर i1 = 2। अब इसको सॉल्व करना, ये क्या है लीनियर, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक, लीनियर बटा क्वाड्रेटिक है ना, लीनियर बटा क्वाड्रेटिक हो तो क्या करेंगे, इस लीनियर को मानेंगे कैसे, a (derivative of quadratic + b), ठीक है, ऐसे करना है। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे a हो गया, देखो इसका तो डेरिवेटिव क्या करेंगे बताओ, 2x + 6 ऐसे करेंगे डेरिवेटिव, क्या होगा 2x + 6 आएगा, तो समझ अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 6a + 6b, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, क्या इमेज ने रियल दिख दिया मैंने, उसमें कॉम्प्लेक्स में चल रहा है ना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है। किसे करना है, एक्स के और कॉन्स्टेंट कंपेयर करने कोफिशिएंट, एक्स का करो पहले, एक्स के साथ क्या बताओ, यहाँ पे 1 है, यहाँ क्या होगा एक्स के साथ बताओ, यहाँ तो एक्स के साथ 1 है, इधर ले लिया 1, इधर एक्स के साथ क्या 2 है, तो 1 किसके कुल हो जाएगा 2a के, तो a के लिए क्या यहाँ पे 1/2, 2 देखो 2 किसके कुल हो जाएगा 6a + b के कुल हो जाएगा, एक वैल्यू रखेंगे 1/2, यहाँ पे कट 3 आएगा, 3 को इधर लेंगे, 2 मिल गया 3, माइनस में बचेगा b के वैल्यू, माइनस बचेगा a और b के वैल्यू हमने यहाँ रख दी, यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा x + 2 मिलेगा, तो x + 2 के वैल्यू सीधे इसी में रख देते तो i1 आ जाएगा, तो x + 2 की जगह मैं ये रखूँगा, इसमें a कितने 1/2, तो 1/2 (2x + 6) ये रहा, और b के वैल्यू क्या है -1 - -1। अब क्या करेंगे, इसके बटे में करेंगे और इसके बटे में कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अब देखो इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर आ गया, दो पार्ट बना देना अलग अलग, ये तो वो टाइप बन गए 1/4 वाले टाइप बन गए, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव देखो ये रहा, इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर है, तो इसका तो ले जाएगा log of, तो क्या होगा 1/2 log of x² + 6x + 12, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस, और ये क्या 1/4 वाली टाइप है, और 1/4 कैसे करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाओ, इसका कोफिशिएंट 1 बना देंगे, ठीक है, 1 तो है ही ऑलरेडी। फिर क्या करना है, एक्स के साथ के यहाँ पे 6 है, 6 का हाफ करेंगे, हाफ क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे, इसका 3 का स्क्वायर बना देंगे, 9 जोड़ा 9 बना देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया x + 3 का होल स्क्वायर, ये क्या बताओ यहाँ पे +3 आएगा, 3 को लेंगे √3 का होल स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज़, और इसे क्या होगा 1/x² + a² का लगा देंगे फॉर्मूला, क्या होगा बताओ 1/a tan−1 x/a हो जाएगा, ठीक है। जो i1 की वैल्यू है ये उठा के इसमें रख देंगे,
ठीक है, कंप्लीट आई आएगा। तो यूँ करके ना आप सारे सारे कर देना। इसमें मेन बात क्या थी, बस इसमें ये याद रखना था कि ऊपर नीचे पावर सेव है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बस। ये थोड़ा कंसेप्ट अलग से था, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ आपको, ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग पैटर्न करवाऊँगा, ठीक है। कौन सी टाइप, लीनियर बटे क्वाड्रेटिक वाली जो टाइप थी ना, इसको मैं थोड़ा एक अलग पैटर्न से कराऊँगा, उसको ज़रा फॉलो करना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मैं कराता हूँ, अच्छा चौथे का एक बार ये होते हैं फोर्थ पार्ट, एक्स क्यूब अपन क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 6 3x² प्लस में 12, ये करना है इसको, इंटीग्रेट करना है। ऊपर छोटी पावर नीचे क्या बड़ी पावर, तो डिवाइड तो हो गया नहीं है ना, तो क्या मैं उसको ऐसे करता हूँ, देखो बेटा x² इंटू मैक्स एक्स क्यूब ऐसे कर दिया मैंने, और फिर ये आ जाती है ना। अब हम क्या करेंगे, अब एक्स स्क्र को टी कर दो, करो डायरेक्ट क्या हुआ 2x dx इस पर डॉट dt, ठीक है। तो कोई आई की वैल्यू मान लो आई इस पर आ गया, क्या आ गया बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्र दिया रहते हैं टी, एक्स डी एक्स क्या बनेगा, हाँ अगले स्टेप में एक्स डी एक्स निकाल देंगे, क्या होगा 1/2 dt, हाई 1/2 एक्स डी एक्स लिखेंगे 1/2 dt अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्र की जगह टी है, एक्स के पावर 4 क्या होगा टी स्क्र हो जाएगा, 3t + 12, ठीक है। तो क्या होता है 1/2 तो बाहर निकाल देंगे, और t अपॉन ये बच जाएगा, बन गए टाइप, कौन टाइप बन गए, लीनियर बटे क्वाड्रेटिक। अब लीनियर बटे क्वाड्रेटिक के लिए आप करते हो क्या, करते हो लेट लीनियर को मानेंगे क्या, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस में b, करते हो आप ऐसे करते आए हो। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा एक अलग पैटर्न कराऊंगा, बगैर वो करके हम ये मानते थे ना, लेट ए इज इक्वल टू, लेट क्या करते थे, लीनियर इज इक्वल टू ए प्लस डेरिवेटिव डिनोमिनेटर प्लस बी, इस तरीके से करते थे ना। अब मैं उसके तरीके के बगैर करूँगा सारे क्वेश्चन, अब उन्होंने वो तरीके बहुत सारे कर लिए, सवाल आप कर लेना, मैं आपको दूसरे तरीके बताता हूँ। तो जो लॉजिक है उसमें ये पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा करनी है डायरेक्ट, कैसे, ये नीचे क्या है इसका देखो क्या होगा डेरिवेटिव, क्या होगा इनके डेरिवेटिव 2t + 3, इसे क्या डेरिवेटिव होता है 2t + 3 आएगा, अरे नहीं आएगा, ऊपर 2t + 3 बना लो, क्या बनाएंगे ऊपर 2t + 3 बनाएंगे, यानी इसका जो डेरिवेटिव है ना बेटा, ये ऊपर वाले टर्म में बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको पुट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे देखो, तो ऊपर क्या चाहिए हमें 2t + 3 चाहिए, तो टू टी बनाओ, टू टी बनाने के लिए क्या हो रहा है, इसको 200 × 200 भाग कर देंगे, 200 × 200 टू टी आ गया, ठीक है, 2t तो बन गया। अब क्या चाहिए मैं, प्लस 3 चाहिए, अगला स्टेप में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे 3 घटा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा ऊपर 2t + 3, 3 जोड़ देंगे 3 घटा देंगे, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होगा 1/4, अब क्या करेंगे 2t + 3 अपॉन t² + 3t, दो अलग अलग पार्ट बना देंगे, 2t + 3 अपन ये कर देंगे, एक 3/2 हिस्से हो गया। अगर आप वैसे करते कैसे, अगर आप वैसे करते ना, इसको मानते लेट टी इज इक्वल टू मानते ए प्लस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस बी, तो कंपेयर करके ए और बी को निकालते, तो पता है ए की वैल्यू क्या आती है, ए की वैल्यू आती है 1/4, बी की वैल्यू आती है -3/4, करके देखना यही मिलेगी तुम्हें, ठीक है। तो दो हिस्से अपने बन गया, इसके साथ जो है वो ए, ए की वैल्यू 1/4 आएगी, इस सब क्या यहाँ पर बताओ 3/4 माइनस का, तो a और b की वैल्यू a बाई 1/4 और -3/4 मिलेगी, करके देख लेना ये कहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है, ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। अब आप आराम से कर लोगे, दो अलग अलग पार्ट बना देंगे इसके, दो इससे अलग अलग कर देंगे, तो ये आएगा एक पिछले करेंगे छोड़ना, 3 बार निकाल देंगे 3/4 हो जाएगा। अब आराम से कर लोगे, ये क्या होगा बताओ, इसका इसका डायरेक्ट इसके ऊपर आ गया, तो क्या हो जाएगा, लोग लग जाएगा log ऑफ t² + 3t + 12, ठीक है। और इसका आप करोगे कैसे करोगे, t² का फ्रेंड तो 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, t² का फ्रेंड बन गया 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप क्या होता है, t के साथ क्या है उसका हाफ करेंगे, t के साथ यहाँ पे 3 है, 3 का हाफ क्या होता है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 3/2 का स्क्वायर बना देंगे प्लस में 12 आएंगे, तो 1/4 log ऑफ t² + 3t + 12, ठीक है भाई 3/4,
ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया टी प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। इधर और इसे सॉल्व कर दो, पहले 12 लिख देंगे प्लस का, पॉजिटिव संख्या पहले लिख दिया करो, नेगेटिव संख्या बाद लिख दिया करो, ऐसा स्क्वायर कर दिया। ठीक बेटा, ये तो एज इट इज, ये क्या होता है, टी प्लस थ्री बाई टू का तो होल स्क्वायर है, ये क्या होगा 48, 48 में गया 9, कितना बचेगा 48 में गया 9, 39, 39 कर सकोगे, रूट रूट 39 और नीचे 4 आएगा, इसका उसके कर रूट 39 ये आएगा। ठीक है, अब इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए, बताओ, 1/x² + a² का लगा देंगे फॉर्मूला, क्या होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। ठीक है, एक्स के लिए लिख देंगे, ए के लिए लिख देंगे, एल्सियम ले लेंगे ऊपर, 2 से 2 काट देंगे। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब क्या करना है इसमें, टी जहाँ टी वहाँ पे क्या रखेंगे एक्स कर, ये आंसर आ गया। इसमें क्या करेंगे, लास्ट में टी देखिए एक्स कर रख देंगे और क्वेश्चन आ गया, इतना कर लेंगे। ठीक है ना, तो दिक्कत तो ये हो गया बगैर कुछ करे बगैर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, इस टाइप का कर लोगे आप। अगले क्वेश्चन में हिंट दे रखा है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, चौथे का पाँचवा आधा करूँगा, बाकी सारा आप कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये वाले एक्सरसाइज फिनिश कर दो आज, सिंपल सिंपल। अब इंटीग्रेशन में अब ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान इंटीग्रेशन है। जैसे दो शुरू के दो एक्सरसाइज मेहनत कर लेना, जिस बच्चे ने उसको सारे कंसेप्ट क्लियर देंगे। ठीक है, इसे करना हमने इंटीग्रेशन। ठीक है, तो करें स्टार्ट बेटा।